सॉरी किचन वाला बोलते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं डी मार्ट राजनांदगांव का, इसको आप शॉपिंग मॉल भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग वहां जाने वाले हैं। दूसरी जगह भाई हम लोग एक मंदिर जाने वाले हैं जो कि पास ही में है, ज्यादा दूर में नहीं है। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल गाइस मैं डी मार्ट के पास आ चुका हूँ और बहुत ज्यादा धूप लग रहा है, देख सकते हैं ये है डी मार्ट और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और अंदर चल के देखते हैं और अंदर पर क्या क्या सामान अवेलेबल है वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं, यहाँ से मिलता है एंट्री हम लोग। फिलहाल ये वाला सामान ये लूंगा करके बोल रहा है, क्या चीज है दादू ये? कौन और चेरी, क्या हाल है? मजा आ रहा है, चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो। ये भाई इनको भी साथ में ले आया हूँ ताकि ये लोग भी कुछ कुछ ले पाए। क्या लेना है? ये नहीं लेना है, चलो मीठा नहीं लेना, मीठा नहीं लेना। देख सकते हैं पूरा ऑयल ही ऑयल रखा गया है, हर प्रकार रेट देख सकते हैं, ये सब प्राइस है। यहाँ पर है भाई बहुत सारा कपड़ा, देख सकते हैं बच्चों के लिए भी ये सब छोटे छोटे कपड़े हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कपड़ों के जगह पर यहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, देख सकते हैं बहुत सारे शर्ट वगैरह रखे हुए हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लेडीज लोगों के लिए बहुत सारे कपड़ा रखा हुआ है, हर प्रकार के भाई कपड़े देख सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कलर पर देख सकते हैं, छोटा बड़ा बॉल भी रखा हुआ है, बहुत सारा फुटबॉल वॉलीबॉल सब चीज़ रखा हुआ है। ये है छोटे बच्चों के लिए दोनों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के लिए कार वगैरह बहुत सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर देख। वैसे सबसे बेस्ट चावल मेरे को ये वाला लगा, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत चावल है भाई, देख सकते हैं शक्कर का भाई इतना इतना बड़ा पैकेट, देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा पैकेट है ये, तो 10 केजी का है लग रहा है, नहीं सॉरी 5 केजी का है। यहाँ पर देख सकते हैं बादाम का पैकेट रखा हुआ है। तो अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं किचन वाले सामान में, यहाँ पर देख सकते हैं सॉरी किचन वाला। तो अभी फिलहाल गाइस हम लोग का सामान वाम लेने का काम हो चुका है, और अंदर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं था इसलिए ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा बहुत शूट कर लिया था उसको डाल दिया। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे लोग, देख सकते हैं क्या क्या सामान खरीदा, बहुत सामान खरीदना था। तो मैं सोचा कि भाई क्यों ना डी मार्ट ही आ जाते हैं और वीडियो बना लेते हैं, बट यहाँ पर तो वीडियो अलाउड नहीं था। मेरे को भाई पहले पता नहीं था कि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आता। वैसे चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। फिलहाल गाइस हम लोग का सामान वामान खरीदने का काम हो चुका है, चलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और हम लोग को दूसरे जगह भी जाना है। तो फिलहाल चलिए यहाँ से चलते हैं। तो हम लोग को ये वाला मंदिर मिल गया, तो यहाँ पर कैमरा भाई अलाउड है, तो चलिए चलते हैं अंदर और बागेश्वर महादेव जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ऐसे दिखाई देता है सामने से, और यहाँ पर चेरी घंटी बजा रही है। चलो फिर ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं मोर भी है, देख सकते हैं मेन मंदिर यही है। यहाँ पर देख सकते हैं लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छा है, और ये है महादेव जी का मंदिर, आप यहाँ पर आकर दर्शन भी कर सकते हैं। विष्णु जी का प्रतिमा देख सकते हैं ऊपर में है, वो है भाई शेष नाम के साथ में अपने।